Return Outlook. श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। हे नानक ए बेनती कर ते आख के हे गुरुदेव हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं मेरे उत्ते मेहर कर। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव की मेहर करो मेरे ते के काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव कि मेरे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह अते हंकार दूर हो जाए। जिस प्रकार के पिछली अष्टपदी दे विच गुरु जी ने इंसान दा एहसान फरामोश चेहरा उजागर कीता सी कुछ उसे ही गल नूं इस अष्टपदी जो अगे आपां पढ़नी है उहदे विच भी लैके चले ने। यह इंसान बड़ा भुलणहार है किसे तों एहसान लैके ते उस परमात्मा तों ते बहुत सारे एहसान लैके भुल जांदा है। चेते नहीं करता कि उन्हों की दातां उस परमात्मा ने बख्शिया हुई ने। ते इस अष्टपदी दे विच गुरु जी ने बड़े ही खूबसूरत ढंग दे नाल सानू वो दातां याद करवाइया ने जो उस परमात्मा ने सानू बख्शिया हुई ने। अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तू 36 किस्मां दे स्वादले खाने खांदा है उन्हों अपने मन दे विच रख चेते दे विच रख भुल ना। जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस कौ सिमरत परमगत पावै। जिस परमात्मा की मेहर दे नाल तू अपने तन दे उत्ते अनेकां प्रकार दियां सुगंधियां लाउंदा है उन्हों सिमरिया भी कर उदा सिमरन भी करिया कर उदा सिमरन करके उच्चा आत्मक दर्जा हासिल कर पाएगा। सारे का सारा ध्यान अपने शरीर ते ही ना ला दे। जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर। जिदी कृपा दे नाल तू सुख महलां दे विच वसदा है सोहणे घरां दे विच वसदा है सुखी सांदी वसदा है उन्हों अपने मन दे विच सदा ध्याया कर। जिह प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना। अपने घरां दे विच मौजां दे नाल तू वस रहा है जिदी कृपा दे नाल वस रहा है अठे पहर अपनी जीव दे नाल उदा सिमरन करिया कर उदे एहसानां नूं कबूलिया कर उदी वडमुलता नूं मन्निया कर। जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याईऐ ध्यावन योग। जिस प्रभु की बख्शिश करके असी अनेकां प्रकार दे चोज तमाशे कर रहे हाँ स्वादले खाने ते पदार्थ हंडा रहे हाँ रंग अते रस अपने जीवना दे विच भोग रहे हाँ उस ध्यान योग परमात्मा नूं सदा ही ध्यौना चाहिंदा है। जिह प्रसाद पाट पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लुभावै। पाट पटंबर तो भाव रेशम दे कपड़े कि जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तू रेशमी कपड़े हंडाउंदा है उन्हों त्याग के उन्हों भुल के कत अवर लुभावै। कत अवर तो भाव किसी होर थां दे लोभ दे विच क्यों पिया होया है। ये जो रेशमी कपड़े तू पाए हुए ने जा सोहने कपड़े तू पाए हुए ने ये उस परमात्मा की कृपा दे नाल पाए हुए ने तो उदा धन्नवाद करिया कर उदे तक टेक रखिया कर होरना लोभां दे विच क्यों पिया है। जिह प्रसाद सुख सेज सोई जाए मन आठ पहर ताका जस गावी जाए कि जिदी कृपा दे नाल सुखी सांदी सेज उत्ते संवीदा है सोईदा है
उस परमात्मा का जस भी गाना चाहिदा है, अठे पहर गाना चाहिदा है। जिह प्रसाद तुझ सब को माना है, मुख ताको जस रसन वखाना है। जिदी कृपा दे नाल हर कोई तैनू मनदा है, तेरा आदर करता है, अपने मूहों अपनी जीव दे नाल उहदी वडियाई करिया कर, उहदा वख्यान करिया कर। जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म। जिस प्रभु की कृपा दे नाल तेरा धर्म सदा कायम रहिंदा है, हे मन तू सदा उस परमेश्वर नूं सिमर, केवल ते केवल उस पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान धरिया कर। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पत सेती घर जावै। हे नानक उस परमात्मा का भजन कीतियां उहदी दरगाह ते माण पाईदा है, माण हासिल हुंदा है, ते पत सेती भाव की इज्जत दे नाल इस घर तों दूजे घर दे विच चले जाईदा है, भाव ये जीवन हंडा के उस पार ब्रह्म की शरण दे विच चले जाईदा है। जिह प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जिस प्रभु की कृपा दे नाल कंचन वर्गा भाव के सोने वर्गा तेरा ये जिसम नरोआ है, आरोग है, बीमारियां तो बचिया होया है। बथेरे मनुख हुंदे ने जो किसी ना किसी बीमारी की जकड़ दे विच आ जाते हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन काल दे विच किसी ना किसी समय ते हर मनुख ही, हर जीव ही किसी ना किसी बीमारी के अड़के दे विच आ जाता है। पर जब तक तुसी नरोए हो, अरोग हो, उदों तक तो उस परमात्मा के धन्नवादी होवो। इत्थे ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जेकर तुसी रोगी हो गए तो उस परमात्मा नू भुल ही जाओ, पर अरोग रहिंदे होए भी लोग उस परमात्मा नू भुल जाते ने, ते उन्हां लोकां दे लई ये पंक्ति एक हिलोरा है कि भाई जागो, किहड़ी नींद दे विच सुत्ते होए, इन्ना सोहना तुहानू अरोग शरीर मिलिया है, इहदे लई उस परमात्मा दे धन्नवादी होवो, उस राम दे नाल अपनी लिव जोड़ो। जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। हे मेरे मन, जिस परमात्मा दी कृपा दे नाल तेरा पर्दा बनिया होया है, उस परमात्मा दा जस गाया कर, इहदे नाल तू सुख प्राप्त करेगा, तेरे मन नूं शांति रहेगी। ये ओला केड़ा बनिया होया है, परदा केड़ा बनिया होया है, इहदी गल आपां वीडियो दे सार अंश दे विच करते हाँ। जिह प्रसाद तेरे सगल शिदर ढाके, मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तेरे सारे ऐब ढके रहिंदे हन, हे मन उस प्रभु की, उस ठाकुर की, उस मालक की शरण दे विच जा पै। जिह प्रसाद तुझ को ना पहुंचै, मन सास सास सिमरो प्रभ उच्चे। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल कोई तेरी बराबरी नहीं कर सकता, इत्थे फिर उन्हां लोकां दे लई एक हिलोरा है जो बहुत उच्चियां पदवियां ते पहुंचे हुए ने, जां शरीरक जां मानसिक पक्षों बहुत ही काबल ने। किसी खेड दे विच कोई खिडारी हो सकता है जो कि उस खेड दे विच बहुत ही ज़्यादा निपुण है, एक्सपर्ट है, उहदी बराबरी कोई नहीं कर पा रहा। कोई सिक्ख्या दे खेतर दे विच, कारोबार दे खेतर दे विच बहुत ज़्यादा निपुण हो सकता है कि उहदे बराबर दा कोई होर नहीं है। बड़ियां कोशिशां लोग करते पए ने, उहदी बराबरी नहीं कर पा रहे। आम तौर ते अजिहे मनुख हंकार कर जाते ने, हौमै दे विच आ जाते ने। पर गुरु जी कहिंदे ने कि भाई हौमै ना करो, उस परमात्मा की शरण दे विच रहो, उहदी अधीनगी दे विच रहो, जिन्हां ने तुहानू ये सब बख्शिया है, जिस परमात्मा ने तुहानू ये निपुणता
बख्शी है कि कोई दूजा तुहाडे बराबर पहुंच नहीं पा रहा, उस परमात्मा की अधीनगी दे विच रहो, होमें दे विच ना आओ। उस उच्चे प्रभु नूं स्वास स्वास दे नाल याद करो। जिह प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। हे नानक, जिस दी कृपा दे नाल तैनू यह दुर्लभ मनुखा शरीर लब्भा है, उस परमात्मा की भगती कर। जिह प्रसाद आपूखन पहरीजै, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै। आपूखन तो भाव गहने जेवरात जां सन्मान चिन्ह, हिंदी दे विच शब्द है आभूषण, जिस दा अर्थ है सन्मान चिन्ह। सो उसे आभूषण तो आपूखन शब्द गुरु जी ने बनाया है। जिह प्रसाद आभूखन पहरीजै, कि जिहदी कृपा दे नाल गहने पहनी दे हन, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै, कि हे मन उन्हूं सिमरदियां तू आलस क्यों करता है। उन्हूं ते खुशी दे नाल सिमरना चाहिंदा है। जिह प्रसाद अशव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कौ कब हूं ना विसारी। जिहदी कृपा दे नाल तू हाथी अते घोड़ियां दी सवारी करता है। उन्हां समयां दे विच हाथी घोड़े सन, अज दे समय दे विच कारां मोटरसाइकल हन। सो जिस परमात्मा दी कृपा दे नाल असीं इन्हां दी सवारी करते हाँ, हे मेरे मन उस परमात्मा नूं कदे भी अपने आप तो ना विसारी। जिह प्रसाद बाग मिलख धना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिहदी दया दे नाल तेरे कोल बाग जमीना अते धन है, उन्हूं अपने मन दे विच परो के रख। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसै ध्याई। कि हे मन, जिस परमात्मा ने तेरी बनत बनाई है, तैनू साजिया है, इन्ना गुंझलदार है साडा मन, ये उस परमात्मा ने साजिया है। सो जिसने तैनू साजिया है, अपने मन नूं हदायत करदे हुए गुरु जी कहिंदे हन कि उठते बैठते सदा उन्हूं सिमरिया कर। तिसै ध्याए जो एक अलखै, ईहा ऊहा नानक तेरी रखै। अलखै तो भाव जो लिखिया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, भाव के बेअंत है। हे नानक, उस परमात्मा नूं ध्या, उन्हूं सिमर जो एक है ते बेअंत है, ते जिहड़ा लोक परलोक दे विच तेरी इज्जत रखता है, लाज रखता है। जिह प्रसाद करै पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तू बहुत दान पुन करता है, अक्सर दान पुन करन वाले मनुख नू लगता है कि ओ दान पुन कर रहा है, ते इत्थे फिर मुड़ घुड़ के गल उत्थे ही आ जाती है कि ये विचार तुहाडे अंदर होमै पैदा करता है, हंकार पैदा करता है। तुसी अपने आप नू वड्डा समझण लग जाते हो कि मैं पुन दान कर रहा हूँ, पर गुरु जी सानू समझाउणा करदे ने कि तुसी पुन दान तां कर रहे हो जे परमात्मा ने तुहानू इन्ना बख्शिया है कि जिहदे विचों तुसी पुन दान कर सको, ते नाल दी नाल ही पुन दान करन वाली सोच भी बख्शी है। बहुते लोकां कोल बथेरा हुंदा है, पर वो तां भी दान नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ने उन्हां नूं दान करन वाली सोच नहीं बख्शी। बहुते मनुखां दे कोल बहुत ही थोड़ा हुंदा है, पर उहदे विच्चों भी उह दान पुन कर दिंदे ने, किसे दी मदद कर दिंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं उस परमात्मा ने दान पुन करन वाली सोच बख्शी है। सो जेकर तुसीं पुन दान करदे हो तां भी उस परमात्मा नूं अठे पहर चेते दे विच रखो। उस परमात्मा ने ही तुहानू इस योग कीता है कि तुसी पुन दान कर सको। जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सांस सांस चितारी। आचार तो भाव रस्मो रिवाज, ते व्यवहारी तो भाव विहार करन वाला।
जिस परमात्मा की मेहर दे नाल तू रीतां रस्मां करन योगा होया है उस परमात्मा नू अपने हर साह दे नाल चेते कर। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तेरा सुंदर रूप है सोहनी शकल है उस सोहने मालक नू सदा ही सिमर। जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। नीकी तो भाव इत्थे चंगी है निक्की नहीं। सो जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तेरी चंगी जात है ते इत्थे किसी खास जाति की गल भी नहीं हो रही, मनुखी जाति की गल हो रही है कि जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तेनू मनुखी जाति मिली है सो प्रभ सिमर सदा दिन रात उस परमात्मा नू सिमरिया कर। जह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तेरी इस जगत दे विच पत रहिंदी है, इज्जत बनी रहिंदी है। हे बटभागी मनुख, गुरु की कृपा दे नाल उस परमात्मा की सिफत सलाह कर। जिह प्रसाद सुनै करन नाद, जिह प्रसाद पेखै विस्माद। करन तो भाव कन अते नाद तो भाव आवाज़। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल अपने कन्ना दे नाल तू आवाज़ सुन पा रहा है, अपनियां अखां दे नाल अचरज नज़ारे वेख पा रहा है। जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिदी कृपा दे नाल अपनी जीव दे नाल मिठे बोल बोल पा रहा है। जिह प्रसाद सुख सहजे वसना, जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तू सहजे ही सुभाविक ही सुखां दे विच वस रहा है। जिह प्रसाद हस्त कर चलै, जिदी कृपा दे नाल तेरे हथ अते इहदे नाल ही शरीर दे सारे ही अंग कम कर रहे ने। जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिदी मेहर दे नाल तू हरेक कार विहार दे विच कामयाब हुंदा है। जिह प्रसाद परमगत पावै, जिदी कृपा दे नाल तेनू उच्चा दर्जा हासिल हुंदा है, उच्ची आत्मक अवस्था तू हासिल करता है। जिह प्रसाद सुख सहज समावै, जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तेरी जिंदगी दे विच सुख है बेफिक्री है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, इन्ना कुछ है तेरी जिंदगी दे विच उस परमात्मा का बख्शिया होया ते इसे परमात्मा नू विसार के तू होर किस पासे लग रहा है। गुर प्रसाद नानक मन जागो, हे नानक गुरु की बरकत लैके गुरु की कृपा दे नाल अपने मन दे विच जाग। ये जो काम क्रोध लोभ मोह हंकार की नींद दे विच सुत्ता होया है उस नींद दे विचों जाग गुरु दे लड़ लग के, ताकि तैनू उस परमात्मा की वडमुलता का एहसास होवे, ताकि तू सोच सके कि उस परमात्मा ने तैनू की बख्शिया होया है। जह प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ कौ मूल ना मनो विसार। प्रगट तो भाव प्रसिद्ध, जिस प्रभु की कृपा दे नाल तू जगत दे विच शोभा खट रहा है प्रसिद्ध है, उनु अपने मन तो कदी ना भुलाओ। जह प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जाप। हे मूर्ख मन, तू उस प्रभु नू जप जिदे करके जिदी मेहर करके तेरा जगत दे विच प्रताप है, तेरा एक रुतबा है, तेरी प्रसिद्धि है, तेनू वड्याई मिली हुई है, लोग तेनू कुछ मनदे ने। जह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तेरे काम सिरे चढ़ते ने उन्हों सदा ही अपने अंग संग जान। जिह प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू तास्यो राच।
जिस दी बरकत दे नाल तैनू सच प्राप्त हुंदा है। सच तो भाव कि उस परमात्मा दे वरतारियां दी समझ आ जांदी है, हे मेरे मन तू उस परमात्मा दे नाल जुड़िया रह, उदी याद दे विच ही रचिया रह। जिह प्रसाद सब की गत होई, नानक जाप जपै जप सोई। जिस दी कृपा दे नाल हरेक ही जीव दी गत हो जांदी है, भाव कि उस परमात्मा दे तक पहुँच हो जांदी है, हे नानक उस परमात्मा नू उही जीव जपदे हन जिन्हां दी उस तक पहुँच हो जांदी है। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। जिस जीव पासों ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ 'ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ 'ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਹੇ ਹਰੀ ਹੇ ਨਾਥ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 269ਵੇਂ, 70ਵੇਂ ਅਤੇ 71ਵੇਂ ਅੰਗ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉਲਾ ਰਹਿਤ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਓਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਓਲਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਓਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨੁੱਖ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਓਲਾ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਵੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਈਏ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।